हेलो दोस्तों, आईपीएल 2022 का जो मैच नंबर 9 है वो खेला जाएगा मुंबई इंडियंस और राजस्थान रॉयल्स की टीमों के बीच में। इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ इस मैच के लिए दोनों ही टीमों की बेस्ट प्लेइंग 11 के बारे में। और यह जो मैच है वो खेला जाएगा शनिवार को 2 अप्रैल को मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम के अंदर और स्टार्ट होने वाला दोपहर को 3:30 बजे से। और हम बात करते हैं यहाँ पर मुंबई इंडियंस की बेस्ट प्लेइंग 11 के बारे में। तो यहाँ पर हम ओपनिंग में दिखाएंगे टीम कैप्टन बहुत ही शानदार आठ बल्लेबाज रोहित शर्मा, जिन्होंने यहाँ पर पिछले मैच के अंदर बहुत ही शानदार बल्लेबाजी करे थे, 41 रन बनाए थे। उनका साथ देंगे यहाँ पर दोस्त लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज ईशान किशन, जिन्होंने पिछले मैच में बहुत ही शानदार फॉर्म दिखाते हुए 81 रन बनाए थे, बहुत ही शानदार बल्लेबाजी की थी तेज स्ट्राइक रेट से। नंबर 3 पर होंगे यहाँ पर अनमोलप्रीत सिंह, जो कि बहुत ही शानदार राइट हैंडर बल्लेबाज हैं। नंबर 4 पर हमें दिखाई देंगे यंग बल्लेबाज तिलक वर्मा, जो कि बहुत ही अच्छे बल्लेबाज, पिछले मैच में उन्होंने यहाँ पर बहुत अच्छे बल्लेबाजी की थी। नंबर 5 पर होंगे कायरन पोलार्ड, जो कि बहुत ही शानदार वेस्ट इंडीज के मीडियम पेस के बॉलिंग ऑलराउंडर हैं। नंबर 6 पर होंगे यहाँ पर टिम डेविड, जो कि यहाँ पर बहुत ही शानदार विकेट कीपर बल्लेबाज है टीम के। नंबर 7 पर होंगे यहाँ पर दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के लेफ्ट आर्म बॉलिंग ऑलराउंडर डैनियल सैम्स, जो कि बहुत ही अच्छे यहाँ पर ऑलराउंडर हैं। बात करें नंबर 8 की तो वहाँ पर होने वाले हैं इंडियन लेग स्पिनर मुर्गन अश्विन, जो कि बहुत ही अच्छी गेंदबाजी करते हैं। नंबर 9 पर होंगे ताइमल मिल्स, जो कि बहुत ही शानदार इंग्लैंड के फास्ट बॉलर हैं और बहुत ही अच्छी गेंदबाजी करते हैं। नंबर 10 पर होंगे यहाँ पर दोस्तों बहुत ही खतरनाक फास्ट बॉलर जसप्रीत बुमराह, जो कि बहुत ही शानदार यहाँ पर तेज गति से गेंदबाजी करते हैं। 11वें नंबर पर होंगे इंडियन कैप्ट बॉलर वासिल थम्पी, जिन्होंने पिछले मैच के अंदर बहुत ही शानदार गेंदबाजी करते हुए 3 विकेट हासिल किए थे। तो ये थी यहाँ पर दोस्तों मुंबई इंडियंस की बेस्ट प्लेइंग 11 इस मैच के लिए। और हम बात करते हैं यहाँ पर राजस्थान रॉयल्स की टीम की बेस्ट प्लेइंग 11 के बारे में। तो ओपनिंग में होने वाले यहाँ पर दोस्तों जोश बटलर, जो कि बहुत ही बेहतरीन राइट हैंडर बल्लेबाज, पिछले मैच के अंदर यहाँ पर 35 रन बनाए थे। उनका साथ देंगे यहाँ पर लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज जैसे शिवजायसवाल, उन्होंने भी यहाँ पर पिछले मैच में बहुत अच्छी बल्लेबाजी की थी। नंबर 3 पर होंगे यहाँ पर टीम के कैप्टन विकेट कीपर बल्लेबाज संजू सैमसंग, उन्होंने यहाँ पर पिछले मैच में बहुत ही शानदार हाफ सेंचुरी लगाई थी। 4 नंबर पर होंगे देवदत्त पड्डीकल, जो कि बहुत ही बेहतरीन लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज हैं। 5वें नंबर पर होंगे यहाँ पर दोस्तों वेस्ट इंडीज के सिमरन हेटमायर, जो कि बहुत ही खतरनाक लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज हैं। 6वें नंबर पर होंगे यहाँ पर ऑलराउंडर रियान पराग, जो कि बहुत ही शानदार ऑफ स्पिन गेंदबाजी भी करते हैं। 7वें नंबर पर होंगे यहाँ पर दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर नेथन कुल्टरनाइल, जो कि बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं। 8वें नंबर पर हमें दिखाई देंगे यहाँ पर दोस्तों बहुत ही खतरनाक ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन, जो कि बहुत अच्छी बल्लेबाजी भी करते हैं। 9वें खिलाड़ी होने वाले प्रसिद्ध कृष्णा, जो कि बहुत ही शानदार राइट आर्म मीडियम फास्ट गेंदबाज हैं। 10वें खिलाड़ी होने वाले यहाँ पर दोस्तों ट्रेंट बोल्ट, जो कि बहुत ही शानदार लेफ्ट आर्म तेज गेंदबाज हैं। 11वें खिलाड़ी होने वाले यहाँ पर युजवेंद्र चहल, जो कि बहुत ही अच्छी लेग स्पिन गेंदबाजी करते हैं, पिछले मैच के अंदर 3 विकेट हासिल किए थे। तो दोस्तों ये थी यहाँ पर इस मैच के लिए राजस्थान रॉयल्स की बेस्ट प्लेइंग 11। मैंने इस मैच में आपको दोनों ही टीमों की बेस्ट प्लेइंग 11 बता दिया। आप यहाँ पर हमें कमेंट के बताइए कौन सी टीम की बेस्ट प्लेइंग 11 है और कौन सी टीम इस मैच को जीत सकती है। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसी क्रिकेट से जुड़ी शाम अपडेट पाने के लिए। धन्यवाद दोस्तों वीडियो को देखने के लिए।